हाँ जी, किदा सारे मेरे वीर। सत श्री अकाल सारे मेरे वीरां तों भैणां नूं। ते अज बई जी एक गल करनी सी। पहला मैं एक वीडियो पाई सी, एक फनी वीडियो पाई सी। फन शन भी जरूरी हुंदा जिंदगी च। ते कई वीर गुस्सा करके वो वीडियो दा चलो नज़ारे लिया करो, जिंदगी दे कोई चक्कर नहीं हुंदा, इदां दी वीडियो विच आउंदियां रहिंदियां ने। ते अज गल करदा बई जी, एक मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा कि कई वीरां ने यूट्यूब ते वीडियो पा दित्ती है कि आह वैसी खुल गई, वह वैसी खुल गई, टूरिस्ट वीज़े लगने शुरू हो गए, तो मेरा वीर बन के फस ना जाए। वो टूरिस्ट वीज़ा अजे कोई नहीं लगता। पुर्तगाल दी एम्बेसी ने सरेआम तुसीं ईमेल करके देख सकते हो जवाब दे दिता है कि असीं कोई टूरिस्ट वीज़ा हजे नहीं देना जां वर्क परमिट वीज़ा हजे नहीं देना। हंगरी दी एम्बेसी ने भी यही कहा है कि साडी कोई प्रोसैस नहीं हैगा अजे टूरिस्ट वीज़ा जां वर्क परमिट वीज़ा देने का, हजे कोई प्रोसैस नहीं हैगा। तां करके मेरा भरा बन के ध्यान रखो, जिहड़े एजेंट कहिंदे ने कि असीं वीज़ा लवा देंगे आह लवा देंगे, हजे कोई वीज़ा नहीं लग रहा। तुसीं खुद ईमेल करके देख सकते हो हंगरी की एम्बेसी, पुर्तगाल की एम्बेसी, जर्मन की एम्बेसी, आस्ट्रेलिया की एम्बेसी। कई वीर ने कहा कि आस्ट्रेलिया जिहड़ा वो वीज़े खुल गए हैं पर टूरिस्ट वीज़ा अजे कोई नहीं खुला। आस्ट्रेलिया की एम्बेसी भी सरेआम जवाब दे रही है कि साडे वल्लों कोई वीज़ा नहीं खुला, अजे टूरिस्ट वीज़ा अजे किसी का नहीं लगना। तो करके किसी एजेंट के चक्कर च पहली गल तो फस ना जायो मेरा भरा बन के। जिहड़े एजेंट लिखदे ने पेपर के उपर पुर्तगाल की सैलरी 1200 यूरो तो लेके 1100 कमा सकते हो, इदा उदा वह समझ लो सब फेक ने। जिहड़े परचे जे बना बना लिख देंदे ने उन्हां चक्करां च ना फसिओ, तां तुहानूं मेरा भरा बन के वो थोड़े पैसे मारनगे, पक्की गरंटी है। बाद च तुसीं पछताउणा है कि साडे पैसे मर गए जी। तां किसे चक्कर च ना फसिओ क्योंकि पुर्तगाल च 1100-1200 सैलरी मसीं मिलदी है, ठीक है जी। ते अज गल करदे आ स्वीडन देश बारे। स्वीडन बारे तुसीं सारिआं ने सुणिआ होगा कि बहुत ही घैंट देश है ते ईमानदार देश है। इहनूं किंगडम ऑफ स्वीडन कहा जांदा मेरा वीर। ते इत्थों दी आबादी है कि 1 करोड़। इस देश की आबादी जिहड़ी स्वीडन की आबादी है वह 1 करोड़ है। तो इतों यह देश आबादी के 51 नंबर पर आता, 52 कहने आप 52 नंबर पर आता है। तो इतों के बहुत सारे लोग ने जो 88% लोग ने शहरों के रहना पसंद करते हैं, बल्कि शहरों के ही रेंदे ने, तो बाकी ने जोड़े वो पिंड रेंदे ने। 88% लोग शहर च रेंदे ने। इतों की जिहड़ी ईमानदारी है देश की बहुत ज़्यादा। तुसीं किसी भी बंदे ते जिहड़े स्वीडन च बंदे रेंदे ने उन्हें भरोसा कर सकते हो क्योंकि लोग इतों के बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। तो इस देश के बई जी 70% जंगल हैं। तो ये जंगलों के ही बनया हुआ देश मनिया जाता कि यह जंगलों बनया क्योंकि इतने 70% ज़्यादा जंगल ने। तो तुसीं जान के हैरान हो जाओगे किसी भी कंट्री तुसीं पैसा मारिया देखा अज तक कि वह कंट्री ने उहदा पैसा मार लिया। तो स्वीडन के नाल होया बई जी 1974 के नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन तो बोलबो गड्डिया का ऑर्डर लिया कि तुसीं बोलबो गड्डिया सानू बेचो बना के दो। 1000 गड्डी कहा बोलबो तो भी असीं सानू पैसे देवे। तो उन्होंने 1000 गड्डी भेजती उत्थे बोलबो गड्डी स्वीडन ने। तो उन्होंने हुण तक पैसे नहीं दिते। 1974 की गल है, 2.7 बिलियन डॉलर की जिहड़ा उन्हां नूं घाटा पिया सी स्वीडन नूं, उन्होंने पैसे मार ले। नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन के पैसे मारे से 2.7 बिलियन डॉलर। उन्होंने 1000 गड्डी का जिहड़ा ऑर्डर दिता सी, उन्होंने गड्डियां भेज दियां पर उन्होंने हुण तक पैसे नहीं दिते, ठीक है जी। तो आपां गल करदे आं जे स्वीडन दे भी जिहड़ा देश है जी, इहदे विच इह इहदी जिहड़ा पासपोर्ट है वह बहुत ज़्यादा वधिया मन्निया गया। इहदी पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जिदा पुर्तगाल के पासपोर्ट की वैल्यू है, इदा ही स्वीडन के पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। ये आप स्वीडन के पासपोर्ट के जे थोड़े को पासपोर्ट है स्वीडन का, तो वो आप 124 कंट्रिया के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। तो 33 कंट्रिया के ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, ठीक है जी। 124 कंट्रिया विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं स्वीडन के पासपोर्ट से, 33 कंट्रिया के ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, ठीक है जी। ये पासपोर्ट जी सारे रिक्वायरमेंट जिवें तुसीं ला लो भी हिसाब, जे तुसीं आपां पासपोर्ट कढ़दे आ सारी कंट्रियां तो यह 6वें नंबर पर आता पासपोर्ट, ज़्यादा जिहड़ा पावर वाला पासपोर्ट है। तो स्वीडन का पासपोर्ट जी 6वें नंबर पर आता है। स्वीडन एक पहला देश है यह जहाँ जिन्हें जवाकों को थप्पड़ मारने से इनकार किया। पहली बार स्वीडन ने यह गल कही थी कि जवाकों के थप्पड़ ना मारे जाए स्कूलों के घरें, तो केस उत्थे सब तो वड्डा क्राइम मन्निया जाता जवाक दे आप थप्पड़ मार दें। तो देखो अजकल सारिया कंट्रिया के ही इदा है, आप जवाक दे किसी थप्पड़ नहीं मार सकते स्कूलों के, पर इंडिया तो अपने दाड़ दाड़ कुट देंगे ने, कोई फर्क नहीं पैंदा। चल होर कंट्रिया आप थप्पड़ नहीं मार सकते जवाक दे, ठीक है जी। स्वीडन एक यही कंट्री है स्वीडन बई जी, जिन्हें 1944 के ही गे ने, जिहड़े गे आपस ब्याह करवा सकते हैं, जो गेआ ने जो गे सड़क पर आए कि सानू ब्याह करवाउण दी मतलब कि स्टार्ट किया जाए कि गे ब्याह करा सकन। तो स्वीडन ने 1944 के उन्होंने ये
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਸ 'ਚ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੇਜ਼ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਜੁਕਾਸ ਜਰਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਜੀ ਗਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡਾਂ 'ਤੇ ਸੋਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੋਟਲ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਉਹੀ ਆ ਬਾਈ ਸਵੀਡਨ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਕਰੋਨ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ 7.5 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 7.5 ਆਉਣ ਦੀ 7.5 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸੈਲਰੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਪੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਟੈਕਸ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 30% ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ 1,10,000-2,000 ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਘੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਪੂਰੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ TRC ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 5-7 ਸਾਲ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਵੀਡਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਪੈਸੇ ਵੱਜੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ 1,10,000-20,000 ਰੁਪਏ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਵ ਜੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।